एच न्यूज अब सत्तर है नजर हमारी। नमस्कार, दिन भर की खबरों के साथ मैं रश्मि और आप देख रहे हैं एटीएस न्यूज 11। हाँ, आप अभी चितरसारी गांव में आए हैं जो बच्चों का कार्यक्रम चल रहा है। देखिए, मैं यहाँ पर विनम्र शिक्षण संस्थान के द्वारा जो ये कार्यक्रम गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आयोजित किया गया था, उसमें शिरकत करने का, क्योंकि मेरा पुराना यहाँ से लगाव रहा है। यहाँ के लोगों से हम लोगों का एक तरीके से देखिए तो आत्मीय संबंध है, हमारे रिश्तेदार भी यहाँ रहते हैं, तो उस कारण से यहाँ आया हूँ। निश्चित रूप से जिस प्रकार से मैं देख रहा हूँ कि इस सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में छोटे छोटे बच्चों को, बच्चियों को पढ़ाने लिखाने का कार्य, तराशने का काम, संवारने का काम कर रहे हैं मशहूरी, तो निश्चित रूप से जितनी भी इसकी सराहना की जाए वो कम होगी। मैं शुभकामना देता हूँ विनम्र शिक्षण संस्थान को कि इसी तरीके से अपने जो कार्यक्रम हैं वो आगे बढ़ाते रहें, और जो बच्चे बच्चियाँ जो अभाव में कुछ नहीं कर पाते हैं। आगे पढ़ लिख नहीं पाते हैं तो उनको पढ़ाने लिखाने का कार्य, सजाने संवारने का काम करें ताकि उनका भविष्य भी निखरे और आगे आने वाले समय में इस गांव का नाम, समाज का नाम रोशन करने में वो लोगों का मतलब उल्लेखनीय योगदान रहे, बच्चों बच्चियों का, यही मेरी शुभकामना है। बिना जिस कार्य के लिए आप लोग फील्ड में हैं, सामने सबके सामने हैं, मौजूद हैं, प्रस्तुत हैं, इसमें आपको क्या लगा कि यहाँ कुछ कमी है जो कि आपसे पूर्ण होने की उम्मीद रखते हैं? देखिए, पहले तो मैं जिस सड़क से आया उस सड़क ही बड़ी वो थी, आज के समय में चूंकि ये मेरा क्षेत्र पड़ता नहीं है, लेकिन जिस सड़क से आया वो सड़क ही जर्जर थी। निश्चित रूप से सड़क बननी चाहिए, और मेरा तो मैं तो यहाँ पर बहुत नहीं आया हुआ हूँ, और भी कमियाँ होंगी निश्चित रूप से, लेकिन सड़क मैंने तो देखा कि सड़क नहीं बनी हुई है। और अब वर्तमान समय में मुझे लगता है कि कहीं भी किसी गांव में ऐसी परिस्थिति बहुत कम ही रहती है, तो मैं इसको उठाने का कार्य करूंगा, सड़क का कम से कम निर्माण हो। तो सर, बसंत जी जो हैं अटूट मन मेहनत के साथ ऐसा करते हैं, लोगों के ठक ठक करते हैं, तो इसमें जैसे कहाँ से कमी हो रही है, जो अरे गांव वालों को अपने जनप्रतिनिधि को मिलना चाहिए, उनसे अपनी बातों को रखना चाहिए। हमारे यहाँ भी बहुत सारी सड़कें थी जो नहीं बनी हुई थी, हम लोग प्रयास करते हैं, कुछ सड़कें अभी भी छूटी हैं, उनके लिए प्रयास कर रहे हैं कि वो बने, तो चूंकि मेरे क्षेत्र में नहीं है इसलिए मैं, लेकिन रिकमेंड कर सकता हूँ, और यहाँ के माननीय विधायक जी हैं जो अभी बने हैं, तो उनसे भी हम लोग बात करके और उनको बोलेंगे कि निर्माण कराइए, भाई हमारे यहाँ लोग रहते हैं। विधायक जी से हटकर कुछ बात करना चाहेंगे, आप अपना कहाँ से बिलोंग करते हैं, अपना पूरा परिचय? मैं आनंद शंकर सिंह हूँ, औरंगाबाद से विधायक हूँ, समझ गए। बिलोंग कहाँ से करते हैं? औरंगाबाद ही, हाँ, मेरा घर औरंगाबाद में ही रह रहा है। लालदेव कुमार सिंह, एटीएच न्यूज बहन, स्टेट इंचार्ज झारखंड, धन्यवाद। अभी हम सभी